बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रीडम एक्सप्रेस में। मैं हूँ हिना आपके साथ, और आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर आए हैं आपके सामने। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से अमेरिका में एक पूरी भीड़ ने वहाँ की जो कैपिटल हिल है उस पर हमला किया है, और बताया जा रहा है, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि वहाँ के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उनके कहने पर, उनके उनके नेतृत्व में और उनके जो अभी तक की जितनी भी उनकी शक्तियां या प्रक्रिया रही है पूरे काम करने की, वो एक भीड़ तैयार की गई और उसने उस पूरा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उस पर न सिर्फ वो कैपिटल हिल पर हमला किया, बल्कि उस डेमोक्रेटिक जो एक स्पेस है उस पर हमला किया गया है। अब कई तरह के सवाल जो है वो पूरी दुनिया भर में खड़े हो रहे हैं। सबकी नजरें जो है वो अमेरिका पर बनी हुई हैं कि जो अमेरिका, पूरे दुनिया भर के जो अलग अलग देश हैं उनमें जब भी डेमोक्रेसी की बात होती थी या किसी भी तरह की बातें होती थी तो अमेरिका बढ़ चढ़ कर आगे बोलता था। लेकिन अब जब खुद अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी खतरे में है, तो फिर अब सबके सामने अमेरिका की असलियत जो है वो सामने आ गई है। हम लोग न सिर्फ बल्कि अमेरिका में उस तरह की डेमोक्रेसी देख रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में हम लोग एक डेमोक्रेसी जो है उसकी पावर जो है उसको एक नाजुक हालात से गुजरते हुए देख रहे हैं। हम भारत की ही बात करें तो भारत में भी हम देखें कि जिस तरह से जो एलिमेंट अमेरिका में अभी तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाए थे, वो सभी एलिमेंट हमें भारत में भी देखने को मिलते हैं। हमें वो हाथ मिलाना नरेंद्र मोदी का डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखता है, वो एक भीड़, जो उन्मादी भीड़ जिसने कैपिटल हिल पर जो है हमला किया है, वो भीड़ हमें इस हिंदुस्तान के अंदर भी नजर आती है। वो भीड़ जो एक शख्स को पकड़कर उसकी लिंचिंग कर देती है, और कई तरह की चीजें हैं। मतलब आप देखिए कि प्रोटेस्ट, अगर शाहीनबाग प्रोटेस्ट होता है या फिर किसानों का आंदोलन जो होता है या कोई विरोधी आवाज होती है, तो उसको किस तरह से उसको दबाने की कोशिश की जाती है और किस तरह से उस पर हमलावर होते हैं, उसको एंटी नेशनल कहा जाता है, और पूरे जो एक डेमोक्रेटिक वॉइसेस है उनको लगातार जो है खत्म करने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान के अंदर। और सिर्फ उनको खत्म करने की कोशिश नहीं की जा रही है, सिर्फ लोगों तक ये बात सीमित नहीं है, बल्कि आप जितने भी इंस्टीट्यूशन है भारत के अंदर आप उसको देखिए, उन पर किस तरह के हमले हो रहे हैं, उनका किस तरह से जो है आज की डेमोक्रेसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहे हैं कि जो ईडी है या फिर सीबीआई है, उनका किस तरह से दुरुपयोग इस हिंदुस्तान के अंदर किया जा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि जिस तरह से अमेरिका में ये पूरी भीड़, जो एक उन्मादी भीड़, जो पागलपन जो क्रिएट किया गया है, और ये पागलपन, ये हमें ये सरफिरापन जो हमें हिंदुस्तान के अंदर भी देखने को मिलता है, तो क्या हमें इस तरह की चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा? और अगर तैयार रहना पड़ेगा तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, उसमें क्या क्या सेफ गार्ड है, क्या क्या हिफाजत है उस डेमोक्रेसी को दिया गया है संविधान के अंदर? कौन से वो आर्टिकल हैं जिनसे हम अपनी डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं, जिनसे हम लोगों की हिफाजत कर सकते हैं, जिससे हम अपने इंस्टीट्यूशन की हिफाजत कर सकते हैं? हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कबीर दीक्षित जी, जो सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर हैं, जाने माने लॉयर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं फ्रीडम एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ प्रशांत टंडन जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। कबीर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हम लोग अमेरिका के अंदर एक डेमोक्रेसी पे खतरा देख रहे हैं, हमारे पास हिंदुस्तान में पूरा अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कौन कौन से ऐसे लीगल या आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे हम अपनी डेमोक्रेसी को सेफ गार्ड कर सकते हैं? नमस्कार। मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पहले कि मुझे आपने इस डिस्कशन में बुलाया, न्योता दिया, और उसके साथ मेरी इज्जत अफजाई करी कि मुझे प्रशांत टंडन जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ और उनका उनके जर्नलिज्म की बहुत कदर करता हूँ, उनके साथ आपने मुझे पैनल पे रखा। थैंक यू फॉर दैट। जो आपका प्रश्न है, उस प्रश्न पे आते हुए मैं इसको थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्चुलाइज करना चाहूंगा बात अपनी रखने से पहले। देखिए, क्योंकि कैपिटल हिल के हवाले से बात हो रही है, तो कैपिटल हिल में क्या हुआ इसको भी हम लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में एक क्लैरिटी रखनी चाहिए, ताकि हम लोग ये देख पाए कि हम बाय एनालॉजी, उदाहरण के तौर पे या उसके कंपैरिजन में किस तरह के खतरे की बात कर रहे हैं और किस तरह के सेफगार्ड्स की बात कर रहे हैं। तो जो मैं पा रहा हूं सोशल मीडिया, ट्विटर और तमाम चीजों को देखते हुए, एक शब्द बहुत उछल के आ रहा है, वो है कू। कू कू का अटेम्प्ट था, कू डिटाट, इस तरह का कुछ था। जो मैंने जितना इसके बारे में पढ़ा है और देखा है और
फॉलो किया है, जो मेरी कू की भी समझ है, और क्योंकि कू एक एक आम चीज तो नहीं है, लेकिन दुनिया के तमाम देश, फिजी से लेके महेंद्र चौधरी जी थे, तमाम देशों का हम याद करें, पाकिस्तान में बगल में दूर पाकिस्तान जाने की में जरूरत नहीं है, नेपाल में देख सकते हैं, तमाम जगह देख सकते हैं, कू एक स्पेसिफिक चीज होती है। मैं ये बहुत अब ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो, एक्सेप्टेबल ना हो बहुत लोगों को, लेकिन कतई हमने कू जैसी कोई भी चीज कैपिटल हिल में नहीं हो रही थी। लेट्स नॉट यूज कू जैसे एक सीरियस शब्द को कैजुअली नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के बारे में तो वो कू नहीं था। दूसरी बात यह है कि 25th अमेंडमेंट जो यूएस का है, उसकी भी चर्चा एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। आप पहले जब कू बोलते हैं तो फिर उसके बाद आप फौरन कहते हैं कि अरे 25th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट को हटा देना चाहिए। 25th अमेंडमेंट यूएस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक वो प्रोविजन है उनके संविधान का, जिसके तहत अगर प्रेसिडेंट डिसेबल हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो उस समय क्या प्रोविजन होगा, कौन उस ऑफिस में उनकी जगह आएगा, उसके प्राविधान है। और उसमें जो उसका फोर्थ प्रोविजन है कि डिसेबिलिटी, और वो प्रेसिडेंट खुद ना कर सकता हो डिसाइड, तो कैसे कौन लोग डिसाइड करेंगे, और वाइस प्रेसिडेंट वगैरह। ये मेरे ख्याल से कई पहले एक एग्जैजरेशन कर दिया जाए, और फिर उस एग्जैजरेशन को अगर लोग ले उड़े, और फिर उस पे एक के ऊपर एक हवाई किले बनाए जाएं कि अब 25th अमेंडमेंट, तो ये भी एक बात सीरियसनेस के साथ कहनी जरूरी है कि 25th अमेंडमेंट की कोई भी बात कैपिटल हिल में क्या हुआ उसके कॉन्टेक्स्ट में करना अतिशयोक्ति होगी और गैर जिम्मेदाराना होगा, उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है वहां पे। कुछ लोगों ने, जाहिर बात है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स हर जगह होती है, तो वहां भी हो रही है, लेकिन तीसरी बात, बहुत ध्यान देना पड़ेगा हमें कि कैपिटल हिल में हो क्या रहा था। दो चीजें एक समय में साथ साथ हुई। एक संवैधानिक प्रक्रिया चल रही थी कैपिटल हिल में। कैपिटल हिल में जॉइंट सेशन चल रहा था कांग्रेस का, जिसमें वहां के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं इलेक्शन को रेटिफाई करने की प्रक्रिया में थे। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया थी जिसकी एक बहुत सीरियसनेस होती है। हर साल हर इलेक्शन में ये बहुत रूटीनली हो जाता है, लेकिन इस इलेक्शन में क्योंकि चैलेंज था और बड़ी कंट्रोवर्सी तमाम क्रिएट की गई थी इनकम्बेंट के द्वारा, तो माफ कीजिएगा मैं थोड़ा समय ले रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। क्योंकि इनकम्बेंट ने इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, कि इस एक रूटीन प्रक्रिया का भी इस बार बड़ा महत्व हो गया था कि किस तरह से उसकी पॉलिटिक्स होगी, क्या होगा। ये प्रक्रिया ध्यान दीजिए, अगर आप, ये प्रक्रिया पूरी हुई, ये प्रक्रिया हुई, इसमें रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने पूरी शिद्दत से शरीक हुए, और उसमें एक बायपार्टिजनशिप भी दिखाई दी, और उसमें सॉरी आई एम गेटिंग अ कॉल, या उसमें वन सेकेंड, तो वो संवैधानिक प्रक्रिया जो है उसपे कोई ना आंच आई, ना उसमें संवैधानिक ढांचे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, वो जैसे होना चाहिए था उस तरह से चला। यानी इंस्टीट्यूशंस अपनी गरिमा बनाए रखी उन्होंने, और उन्होंने अपनी सैंक्टिटी पे कोई आंच नहीं आने। हुआ क्या कि इस संवैधानिक प्रक्रिया का जब जब चल रही थी ये, इसका एक अनफॉर्चुनेट ब्रीफ फिजिकल डिसरप्शन हुआ। एक रैली हुई थी कुछ देर दूर इनकम्बेंट प्रेसिडेंट की, उनके आह्वान पे उस रैली से उनके समर्थक निकले, और वो नारेबाजी और पोस्टर्स और इन सब के साथ आर्म्ड होके, कई उनमें आर्म्ड थे, वो कैपिटल आए, उसमें अंदर उन्होंने ब्रीच करी सिक्योरिटी, अंदर चले गए, उन्होंने डिसरप्शन किया, फिर वो डिसरप्शन इवेंचुअली ओवरकम किया गया। एक हाथ बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, उस पे प्रक्रिया अलग चीज है। ये हुआ संवैधानिक प्रक्रिया, फिर रिज्यूम हरी डिसरप्शन के बाद जब लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल हुआ, तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस था, अमेरिका डिड नॉट विटनेस, उन्होंने संवैधानिक क्राइसिस नहीं देखा इस मौके पर। ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। अब ठीक है। मैं आना चाहूंगा जो आपका प्रश्न था उसके डायरेक्टली उस पे, कि हमारे यहां क्या है, सेफगार्ड्स क्या है हमारे यहाँ। तो देखिए, पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरी आवाज साफ आ रही है बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि
कैपिटल हिल के फिजिकल डिसरप्शन पे, अच्छा वहां पे एक हिंदुस्तान का झंडा भी लहराता हुआ कई फोटोग्राफ्स में नजर आया, वो बड़ा सिंबॉलिक है एक तरह से अगर आप देखें तो, कि वहां पे हमारा क्या दखल है। लेकिन मैं उसको जो है एक मेटाफर लूंगा कि अगर हिंदुस्तान को उसमें सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि हमारे लिए इसकी क्या कितना क्या महत्व है। वी नीड अ वॉइस ऑफ सैनिटी, वी नीड सम सैनिटी इन डिस्कोर्स इन अंडरस्टैंडिंग आवर सिचुएशन टुडे। ये जो कैपिटल हिल में हुआ, हमारा उस पे हैंड रिंगिंग, एंग्जाइटी दिखाना, अरे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पे देखिए क्या आफत आ पड़ी है, ये थोड़ा दिस इज रिच कमिंग फ्रॉम इंडियंस, ये हमारे मुंह से थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हमारे यहाँ सिचुएशन इससे कहीं ज्यादा संगीन है, वहां जो हुआ उसके प्रति इतना ज्यादा हम लोग को डर और ये सब करने से पहले सोचना चाहिए। उनके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी पे संवैधानिक क्राइसिस की स्थिति ज्यादा नजर आती है, हम उसके ज्यादा नजदीक हैं। उनके इंस्टीट्यूशंस इस मौके पर उन्होंने अपनी गरिमा बरकरार रखी, ये ध्यान रखने वाली बात है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है अगर पिछले 6 साल देखे जाएं, और वैसे भी उसके अलावा भी, तो पॉपुलर भाई अंततोगत्वा क्या सिचुएशन, एक पॉपुलर मैंडेट है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन उनके संविधान का भी बेसिक स्ट्रक्चर है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे संविधान का भी मूलभूत ढांचा है, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर उनके यहाँ भी डेमोक्रेसी में जरूरी है, हमारे यहाँ भी है, और ये बहुत ही सैंक्टिटी है इस बात की। अगर ये नहीं, अगर इसमें कोई अड़चन आए मान लीजिए, तो पहली बात प्रोविजंस में जाए बगैर अगर मोटी बात करें तो दो इंस्टीट्यूशंस आते हैं उसकी रक्षा करने के। हमारे उनके यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारे यहाँ फर्क है, हमारे यहाँ उनके यहाँ प्रेसिडेंशियल है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री। तो भाई जैसा कि प्रशांत जी ने भी मेरा ध्यान डिबेट से पहले इस बात पे लाया है, एक है आर्टिकल 74, ये आर्टिकल्स में अगर अभी ना भी जाएं क्योंकि उससे फिर ज्यादा भारी हो जाएगी बात, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, मोटे तौर पे समझें तो दो इंस्टीट्यूशंस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है तो उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, एंड मिनिस्टर्स इंजॉय ऑफिस, हमारे संविधान के तहत मिनिस्टर्स ऑफिस में तब तक रहते हैं जब तक वो राष्ट्रपति का, टिल दे इंजॉय द प्लेजर राइट ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड इन केस देर इज सम डिस्क्रिपेंसी, समथिंग हैपेंस, देन सेफगार्ड कौन करता है, वो करती है जुडिशरी, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, तो जुडिशरी का काम है कि संविधान की रक्षा करे, इट इज द लास्ट रिजॉर्ट राइट। कागज पे अगर आप देखें तो हमारे यहाँ सेफगार्ड्स पर्याप्त हैं दोनों तरह के क्राइसिस के लिए, दो तरह के क्राइसिस जो मैंने आपको डिस्टिंक्शन किया कि एक होता है संवैधानिक क्राइसिस, एक होता है लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस होता है म्यूटिनी, म्यूटिनी के लिए संवैधानिक प्रोटेक्शन नहीं होता, म्यूटिनी होती है संविधान को फेंक देना, ओवरटर्न कर देना, और वायलेंस और फोर्स के थ्रू आप उसको कब्जा कर लें, पावर पे पावर ना छोड़ें, आर्मी को या तो वो कर लें मोबिलाइज या जो भी किसी इस तरीके से। अब अगर आप इन दोनों डिस्टिंक्शंस में देखें, हमारे यहां संवैधानिक क्राइसिस के लिए पहले मैं हल्के उस पे आता हूं, फिजिकल वायलेंस से अगर, ठीक है। हमारे यहाँ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आम तौर पे बहुत काफी है इसको डील करने के। हमारे यहाँ आईपीसी में ही एक पूरा सेक्शन है वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, उसमें अगर आप जो सेडिशन उसमें आता है उसमें इस तरह की चीजें आती हैं, फिर अगर आप म्यूटनी करते हैं तो उसके लिए भी आईपीसी में प्रोविजन है, पीनल कोड इटसेल्फ इज क्वाइट सफिशिएंट टू डील विद एनी काइंड ऑफ इंसरेक्शन, कू और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। फिर संवैधानिक तौर पे आर्टिकल 226 पूरे हाई कोर्टों में रिट पिटीशन भरी रहती है, उसको उतना सीरियसली रोज रोज तौर पे नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आप सोचें तो एक सिंपल रिट पिटीशन इन दिल्ली हाई कोर्ट ऑफ क्वो वारंटो होता है बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू होल्डिंग एन ऑफिस,
अगर कोई व्यक्ति एक सरकारी ऑफिस को डिजर्व नहीं करता है और कानून के खिलाफ ऑक्यूपाई कर रहा है, तो एक सिंपल रिट पिटिशन हाईकोर्ट में जाए, कहे कि बाय व्हाट अथॉरिटी इज दिस पर्सन ऑक्यूपाइंग ऑफिस। जैसे ही पार्लियामेंट का टर्म खत्म होता है, इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है, अगर वो नहीं हुआ और इनकम्बेंट चला जा रहा है संविधान के खिलाफ, तो एक छोटी सी रिट पिटिशन से आप सोचे तो बहुत कुछ हो सकता है। उसकी बहुत महिमा है संविधान। ठीक है। छोटी छोटी चीजें, प्रोटेक्शन जो है संवैधानिक, जब वो प्रोटेक्शन होते हैं तो बहुत बड़े हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोमेंट जो है वो डिसाइड करता है कि इस चीज को कितनी सैंक्टिटी और कितने रिस्पेक्ट के साथ देखना है। जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अदना सी पावर जो आजकल कमेडियंस और छोटे छोटे लोगों को परेशान करने की और उसका एक जरिया बन गई है और लॉ स्टूडेंट्स के खेलने का खिलौना बन गई है, अगर आप देखें तो एक छोटी सी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन जो है, एक डिक्टेटर तानाशाह जो संविधान की खिल्ली उड़ा रहा हो, उसको रेन, उस पे लगाम लगाने के लिए बहुत काफी। ठीक है। तीसरी बात, एक बहुत छोटी चीज होती है ओथ ऑफ ऑफिस। ठीक है। आर्टिकल 75 का सब आर्टिकल 4 कहता है कि इन मिनिस्टर्स को एक ओथ ऑफ ऑफिस जो है प्रेसिडेंट साहब करवाएंगे, वो स्वेयर करके आएंगे, सोलेमनाइज करके आएंगे। आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट साहब भी एक ओथ ऑफ ऑफिस लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थर्ड शेड्यूल की एक ओथ ऑफ ऑफिस से बंधा होता है। मिनिस्टर्स की ओथ ऑफ ऑफिस भी दी हुई है और हर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है, मैं बस अपनी बात निपटा रहा हूँ फर्स्ट ठीक राउंड, है, ठीक है। हर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है भारत के संविधान के तहत काम करने की और उससे एलिजियंस की ओथ जो है लेके आते हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो दे लूज द राइट टू बी इन दैट ऑफिस, राइट? बट आई हैव स्पोकन फॉर अ व्हाइल, सो आई विल रेस्ट हियर एंड आई विल वेट फॉर सर टू। श्योर श्योर, ये ऑथ ऑफ ऑफिस पे हम वापस आएंगे आपके पास कबीर जी। प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह के एलिमेंट हम लोगों ने पूरे अमेरिका में देखे हैं ट्रंप के पूरे काल में, मतलब जो भी उनका पीरियड रहा है उसमें, देखा जाए तो फेक न्यूज को लेकर हम लोगों ने देखा है, जिस तरह से उन्मादी भीड़ जो बनाई गई है वो हम हिंदुस्तान के अंदर देख रहे हैं, कई सारी ऐसी चीजें जो हमें देखने को मिल रही हैं। आप पूरे पूरे मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं, कितना खतरा है हमारे देश को संवैधानिक, और जिस तरह से कबीर जी ने कहा कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर वाला मामला था, संवैधानिक नहीं था, नहीं, तो आप पूरे मुद्दे। कबीर साहब ने बहुत उसको इलाबरेट ढंग से समझा दिया है, लेकिन वो जो सेफ गार्ड्स हैं वो देखिए एक प्रिजम्पशन के साथ हैं, और वो प्रिजम्पशन ये है कि जो इनकम्बेंट है, वो जो जो मौजूदा शख्स है सत्ता में, अगर वो चुनाव हार जाता है और वो चुनाव की हार को स्वीकार कर ले और उस ट्रांजिशन की प्रोसेस को कोऑपरेट करे, उसमें सहयोग करे। हमारे देश में इसका कोई उदाहरण नहीं है, जो ट्रंप इस तरीके के ट्वीट्स करते रहे और कहते रहे और अब जाके ये करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं कोऑपरेट करूंगा, लेकिन अभी तक ट्रंप ने ये बात भी नहीं कही थी। तो हमारे देश में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है। हमारे देश में इमरजेंसी लगी, इलेक्शन एक साल ये टला भी, 5 साल की जगह 6 साल बाद इलेक्शन हुए, इंदिरा गांधी उसमें हारी और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाने के बाद नई सरकार को फैसिलिटेट किया, वो सत्ता से हट गई। तो हमारे यहाँ हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो भी तमाम सारे ऐसी कसौटियों से होकर गुजरी है। ऐसी भी दिक्कतें आई हैं कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई पार्टी को बहुमत नहीं है और फिर किस तरह सरकारें बन रही हैं और एक व्यवस्था चल रही है। लेकिन ये सारी चीजें तभी कामयाब होती हैं, ये तभी चलती हैं जब वो इनकम्बेंट जो चुनाव हार गया वो राजी हो सत्ता छोड़ने में। मैं कबीर साहब के जो कू का डेफिनेशन, उससे बिल्कुल सहमत हूँ। कू जो है हमेशा सत्ता को बेदखल करने के लिए होता है, कोई इनकम्बेंट कू नहीं करता है। बाहर से कोई ताकत होती है, जो फौजी ताकत होती है या कोई भी ताकत होती है, वो सत्ता का उलटफेर करती है। लेकिन एक और की जो आज जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि जिस तरीके का एक मॉब मोबिलाइजेशन हुआ, और हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि पोस्ट ट्रूथ इरा में हम हैं, और पोस्ट ट्रूथ में एक नया लेवल ऑफ
जिसको कहें कि न्यू वर्जन ऑफ पोस्ट ट्रूथ हम देख रहे हैं कैपिटल हिल के बाद, वेयर द इनकम्बेंट इज रिफ्यूजिंग टू पार्टिसिपेट इन ट्रांसफर ऑफ पावर आफ्टर लूजिंग इलेक्शन। तो ये जो चुनाव हारने के बाद उसको कोऑपरेट न करना, ये एक लेवल टू है, और इस लेवल टू के लिए जितने सेफगार्ड, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था, वो चला, वो कंक्लूड हुआ। सही बात जो कबीर साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दुनिया की डेमोक्रेसीज को ये जरूर सेफगार्ड अब नए सिरे से सोचने चाहिए, क्योंकि अभी तक जो सेफगार्ड्स हैं वो ऐसे सेफगार्ड्स हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी फौज या दूसरे लोग सत्ता जो है वो संभाल ना पाए, लेकिन इनकम्बेंट रिफ्यूज कर दे और उसके बाद क्या होगा, इसका ये बहुत ग्रे एरिया है, और ये ग्रे एरिया ही ट्रंप जैसे लोगों को फैसिलिटेट करता है, क्योंकि ये क्योंकि ज्यादातर देखिए कन्वेंशन पे चलता है, परंपराओं पे चलता है सारा मामला, कि भारत के संविधान में भी प्रधानमंत्री बनाने का प्रोसेस नहीं है, ये प्रज्यूम किया जाता है कि वो मेजोरिटी पार्टी का लीडर है, क्योंकि उसको फाइनेंस बिल पास कराने हैं लोकसभा से, लेकिन उसका कोई प्रोसेस संविधान में लेड आउट नहीं किया गया है। अब जो बात आप कर रही है कि समाज में किस तरीके का मोबिलाइजेशन हुआ है, जो अफवाहें, जो नफरत, और उसके आधार पर एक समाज बनता है, जो लिंच मॉब क्रिएट होता है, वो लिंच मॉब किसी भी हद तक जा सकता है। आप अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं, आप उनको देखिए तो बड़ी हैरत में डालने वाली खबरें आ रही हैं, कि समाज में अगर पोलराइजेशन होता है तो वो इस हद तक होता है कि ये भी आरोप लग रहे हैं वहाँ के मीडिया में कि कुछ कांग्रेस के जो अधिकारी थे पोस्टेड वहाँ पे, उन्होंने गेट खोले और फैसिलिटेट किया इन दंगाइयों को अंदर आने में। अच्छा, उनमें कौन लोग थे? उनमें उनमें जो लोग थे, आप देखिए उसमें एक नाम आ रहा है जैक एंजली, ये व्यक्ति रेसिस्ट है और ये वाइट सुप्रीमेसी का एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। इसके न्यूयॉर्क के फॉर्मर मेयर रूडी जुलियानी के साथ तस्वीरें हैं। एक वहां पे नाम आ रहा है रिचर्ड बार्नेट, ये भी ये प्रो गन लॉबी का लीडर है, प्रो गन ग्रुप का लीडर है। ऐसे ही टिम एक नाम आ रहा है जिसका, जो फार राइट एक्टिविस्ट है, जिस तरीके के नाम आ रहे हैं, इस तरीके के कैरेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके के लोग हमारे देश में भी हैं। और अफसोस की बात यह है कि वो देखिए इस तरीके के फ्रिंज एलिमेंट बहुत सारे देशों में होते हैं, हमारे समाज में भी हमेशा रहे हैं, लेकिन फ्रिंज एलिमेंट को सत्ता की ताकत है। आज आप ये नहीं कह सकते कि 6 दिसंबर 92 को जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराई थी वो फ्रिंज एलिमेंट था, तो क्योंकि अब उसको दूसरी जो कबीर साहब ने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि अमेरिकन और इंडियन इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने कंपेयर किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेमोक्रेसी जो भी ग्रे एरिया संविधान में है, कन्वेंशंस हैं, और अभी तक ये सब बहुत शराफत से होता रहा है, पूरी दुनिया के डेमोक्रेसी में शराफत से होता रहा है, लेकिन अब ये फेज टू है, और वो फेज टू के लिए किस तरह से गियर अप हो ये दुनिया को सोचना होगा, क्योंकि अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस, इस बात पे मैं एग्री करता हूँ कि अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, वहाँ का मीडिया ट्रंप के साथ नहीं है, वहाँ का सोशल मीडिया ने ट्रंप को ब्लॉक, उनको बैन कर दिया, उनको सेंसर कर दिया, प्रेसिडेंट को सेंसर कर दिया, तो उनके इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। हमारे इंस्टीट्यूशंस के सामने जब ऐसी परीक्षा आती है तो मुझे लगता है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस उतने खड़े नहीं उतरते, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो अदालतें हो हमारी, वो ऐसी चुनौतियों में मुझे बहुत कमजोरियां हमारे इंस्टीट्यूशंस में दिखाई देती हैं। जी कबीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आप एक औथ की बात कर रहे हैं कि कोई भी राष्ट्रपति या पीएम जब आता है तो वो एक औथ लेकर आता है, लेकिन अगर वही पीएम या वही प्रेसिडेंट, या मान लीजिए कि पीएम अगर उस औथ को जो कसम खाकर या जो भी वो अपनी प्रोसीजर अपना कर आ रहा है, अगर वो उस पर खरा नहीं उतरता है, तो
तो फिर क्या क्या आगे लीगल उसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है भारतीय, अगर उसमें देखा जाए संदर्भ में? देखिए, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये बेसिक चीज है कि अगर कोई भी संवैधानिक एंटिटी, कोई भी जिसका एक रोल है, एक प्रोसेस है, एक टेन्योर निर्धारित है, वो उसके अनुसार, संविधान में जो दिया हुआ है उसके अनुसार नहीं चलते, वो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं करते हैं, वो अनड्यू अथॉरिटी से अपने ऑफिस में बने रहते हैं, तो संवैधानिक तौर पे देखिए इसका सोल्यूशन बहुत सीधा सरल है, कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वो ये है कि एक सीधी सी रिट पिटीशन, जो भी जो इलेक्टेड व्यक्ति है, इलेक्टेड पार्टी है, उसके नुमाइंदे एक रिट पिटीशन हाई कोर्ट में डालें आर्टिकल 226 के तहत क्वो वारंटो की, और कहें कि भाई ये बाय व्हाट अथॉरिटी इज दिस पर्सन कंटिन्यूइंग इन ऑफिस, इनको हटाया जाए बाय ग्रांटिंग अ रिट ऑफ क्वो वारंटो। अगर उन्होंने कोई ऑर्डिनेंस या कुछ लॉ ऐसा निकाल दिया इनकमबेंट ने कि अपने को बढ़ाते हुए अनड्यूली, तो सरशोराए की रिट होती है उसको क्वॉश करने के लिए, वो भी हो सकती है। ग्राउंड्स क्या होंगे? ग्राउंड्स ये होंगे कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है, रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, ये सब हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे में आते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। भी कोर्ट देखिए, जो जो संवैधानिक ओथ के हिसाब से अपने कॉन्शियंस को, जुडिशियल कॉन्शियंस को, जुडिशियल प्रिसिडेंट को मानते हुए पूरी फियरलेसली काम कर रहा है संविधान की गरिमा बनाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उसको 2 मिनट की हिचक नहीं होगी ऐसे व्यक्ति को दफ्तर से, ऑफिस से निकाल फेंकने। तो इसलिए इसकी कोई चिंता संवैधानिक फ्रेमवर्क में हमें नहीं करनी। संविधान हमारा दुनिया के सबसे रोबस्ट, सबसे ज्यादा लंबी उम्र, उम्रदराज, क्योंकि आप देखें बाकी देशों में कहा जाता है, जिन्होंने स्टडी करी है रिसर्चर्स ने, एवरेज एज एक संविधान की 17 साल होती है, हमारा 70 चल रहा है ना। तो हमारा संविधान है स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड इट हैज इनफ। छोटे प्रोविजंस देख लें तो छोटे, और वो कोई चीख नहीं रहे हैं संविधान में बैठ के कि हाय कू को ऐसे प्रिवेंट करेंगे वैसे करेंगे, वो अपनी जगह है और वो काफी बहुत सफिशिएंट है। रिट पिटीशन की पावर मैंने बताई, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर, अगर आप कागज पे देखें तो हिंदुस्तान की जुडिशरी, ये गौर करना पड़ेगा कि दुनिया की सबसे ताकतवर जुडिशरी है कागज पर, ये इकलौती जुडिशरी है दुनिया की जो खुद को अपॉइंट करती, एक तरह से देखें तो उसके तो हाथ पूरी तरह से फ्री हैं संविधान की रक्षा करने के लिए, लेकिन कागजी बातें जो हैं बहुत बार कागजी बातें होती हैं। अब हम लोगों से सच्चाई भी आज की डेट में नहीं छुपी है कि स्थिति क्या है। पावर सारी है, पावर की चिंता नहीं करने वाली है, कू के खिलाफ भी और संवैधानिक क्राइसिस के खिलाफ भी। अगर कोई कहे कि हम नहीं करेंगे ट्रांसफर ऑफ पावर, तो संविधान में कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ आपके सुप्रीम कोर्ट की क्या दशा है उसके बारे में जो सीरियसली सुप्रीम कोर्ट को देखने वाले लोग हैं, वो आज की डेट में क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस दर्जे की एंजाइटीज को रजिस्टर कर रहे हैं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजेस आके क्या बोल रहे हैं। तो हम लोग बहुत ही चिंतनीय स्थिति में हैं, और हमें कैपिटल हिल का मैं फिर कहूंगा कि वो जो हुआ वो हम लोग आज की डेट में, वो समस्याएं तो हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग ले लें, हमारी समस्याएं बहुत ज्यादा संगीन है। नहीं, लेकिन कबीर जी आप बोल रहे हैं कि जिस तरह की जजेस जो है भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर एक तरह से सवाल निशान जो खड़ा करने की कोशिश आप कर रहे हैं, मैं उसमें जानना चाहूंगी कि जब इंसाफ को लेकर ही ये सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, तो फिर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए या उसकी हिफाजत के लिए हम लोग कैसे उम्मीदें रख सकते हैं फिर? अब आपका एक शब्द मैं पकड़ूंगा कि हम लोग कैसे उम्मीदें रख सकते हैं। अंततः जो है ना, किसी भी डेमोक्रेसी में हम लोग जो हैं वही लास्ट चीज होते हैं, ठीक है। वी द पीपल, हमारा प्रियम्बल इसी शब्द से शुरू होता है, वी द पीपल से। अब ये कहना जो है, आई होप कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो, लेकिन बिल्कुल हवा का रुख देख के तो फैसले होते हैं, ठीक है।
जब कोई पॉपुलर इमेजिनेशन कैप्चर कर लेता है और पॉपुलर मैंडेट भी होता है और ब्रूट मेजोरिटी भी पार्लियामेंट में होती है और समाज में एक प्रश्न उठ रहा होता है कि अगर ये नहीं तो कौन, राइट? जब परिस्थितियां ऐसी हो, जब आपके समाज ने किसी को निरंकुश कर दिया, जब इलेक्टोरल मैंडेट ने निरंकुश कर दिया, तो ये जो अंकुश संविधान के अंदर बहुत बड़े और बहुत संजीदा हैं, वो भी चरमराने लगते हैं, वो भी अपना अपनी अपना वेट, अपना वजन, ये सब खोने लगते हैं। प्रेसिडेंट भी फिर अपने ऑफिस की गरिमा नहीं निभा पाता, सुप्रीम कोर्ट के जज भी बहुत कमजोर लगने लगते हैं। लेकिन गनीमत है हम आज एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि जहां पे आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई इलेक्शन हार जाए और पावर ना दे, अगर कोई हार गया इलेक्शन और एक बार को कोर्ट को ये अंदाजा हो गया कि इसके पास पॉपुलर मैंडेट नहीं, और इसको इसके ऑपोजिशन में एक समाज का बड़ा तबका इसको हराने के लिए, और वो सड़क पे भी आ जाएगा अगर इसने मैंडेट, तो देखिए ऐसा है कि मैं थोड़ा आश्वस्त हूं कि अभी स्थिति इतनी बुरी नहीं है कि कोर्ट जो है उसको फिर भी ना करे। अगर कोई इलेक्शन हारा हुआ व्यक्ति पकड़े हुए पावर को, तो उसको तो कहीं फोर्स वोर्स का कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा खतरा मैं बस पॉइंट आउट करके अपनी बात को यहाँ पे खत्म करूंगा जी, ज्यादा बड़ा खतरा होता है समाज की चेतना का मर जाना। बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान में पॉपुलर मैंडेट बहुत बड़ी चीज होती है, पॉपुलर मैंडेट। अगर लोग किसी को इलेक्शन जिताएं तो ये डेमोक्रेसी की सबसे सैंक्टिटी होती है इस बात की। लेकिन हिंदुस्तान में मैंडेट चुराना, इलेक्टेड सरकारों को हटाना, इसका बहुत लंबा इतिहास है। ये आप पलटते जाइए, कोई सरकार इसकी अछूती नहीं है। इलेक्टेड सरकार अमृतपाद की जब हटा दी गई थी तो वो बहुत बड़ा क्राइम था, संविधान असॉल्ट था। और वैसे ही जो मध्य प्रदेश में होता है, राजस्थान में चीफ मिनिस्टर समय लेने की कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र में रात के 2 बजे गवर्नर को उठाया जा रहा है। ऑल दीज आर असॉल्ट्स। जब ये हुआ तो क्या हमने जिस तरह से कैपिटल हिल की इमेजेस पे जो डिस्कशन हो रहा है, क्या उतने ही घबराया था देश हमारा कि हमारे देश में क्या हो गया? नहीं घबराया। तो क्योंकि लोगों को एमएलए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की खरीद फरोख्त से हम लोग आज की डेट में वी आर रिकनसाइल्ड एज अ सिटीजन, एज सिटीजन, एज अ पॉपुलेशन। इट इज अमेरिका का आप कुछ भी कह लें, वहां के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की एक वक्त होती है, उसका एक कनेक्ट होता है उस ऑफिस की, ये कभी भी गरिमा है। हमारे यहाँ तो समान हो गया है। बिल्कुल। प्रशांत जी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से डेमोक्रेसी एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है, चाहे वो भारत की हो चाहे वो अमेरिका की हो, आप पूरे जिस तरह से बाकी दूसरी कंट्रीज, डेमोक्रेटिक कंट्रीज देखें, वहां पे भी कमोबेश इसी तरह के हालात हैं। आप पूरे इस मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं, क्या आपके ऑब्जर्वेशन है? देखिए, जो कबीर साहब ने बात की है, मैं उसी को और इम्फेसाइज ये करूंगा कि एक तो हम कैपिटल हिल जैसी स्थिति के दहलीज पर हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ जो राज्य स्तर की सरकारें हैं वो ऐसे ही बन रही हैं, मसल पावर से, फार्म हाउस में पैसे खरीद के, रिसोर्ट में एमएलए को डालकर, कोई कोई सीबीआई भेजकर, कोई इनकम टैक्स की फाइलें दिखाकर, इस तरीके से सरकारें बन रही हैं और उनको जुडिशियल सैंक्शन भी मिल रहा है। अफसोस की बात यह है, यानी एक हमारे पास ये भी उदाहरण है कि उत्तराखंड में ऐसा हुआ और वहां की हाई कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया, प्रेसिडेंट रूल। लेकिन वैसा जुडिशियल इंटरवेंशन हमको मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई दिया, वैसी जुडिशियल एंजाइटी हमको राजस्थान में जब एक क्राइसिस चला महीने भर से ऊपर तो नहीं दिखाई दी। वो सरकार बची तो उनके अपने पॉलिटिकल इक्वेशन से बची या जिस भी वजह से बची, तो हम वहां इस मतलब बहुत करीब हैं उसके। और दूसरा की जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल जो सेफगार्ड्स हैं वो अपनी जगह है, जब तक सोशल इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग नहीं होंगे। हमारे देश में सोशल इंस्टीट्यूशंस कमजोर हुए हैं। आप एक एक बात का इमेजिनेशन कीजिए,
सिर्फ एक बात का, और आपको कैपिटल हिल की समस्या जो है वो 100 गुना आपको बड़ी दिखाई देगी, और ट्रंप व्हाइट हाउस में 20 तारीख के बाद भी बैठा हुआ दिखाई देगा। अगर आप वहां पे ये देखिएगा कि कैपिटल हिल में अगर वो गए और वहां का मीडिया एक तरफ से अगर ये कहे कि ये लोग देशभक्त हैं और इनका जो विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं, आप इस बात का इमेजिनेशन कीजिए केवल, तो अमेरिका की डेमोक्रेसी आज कहाँ होती? वो सारे इंस्टीट्यूशंस फेल हो गए होते। हम वहां खड़े हैं, और ये बिल्कुल हमारे समाज को सोचना पड़ेगा कि कैसे मीडिया को, कैसे अपने इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से तैयार करें कि हमारे देश में कैपिटल हिल जैसी स्थिति ना आए। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका हमारे साथ, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कबीर दीक्षित जी, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो आज की जितनी बातचीत हुई है उससे हमें एहसास हुआ है कि जो अमेरिका में जितनी भी चीजें हुई हैं वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, और अगर हम अमेरिका को ना देखकर अपने देश की, भारत की बात करें, तो हम एक संवैधानिक क्राइसिस की तरफ बिल्कुल खड़े हुए हैं, और इसके लिए हम जो हम लोग हैं, ये जो टर्म है, यही अब इस देश की बहुत बड़ी उम्मीद है। और इस हम लोगों को ये यूनिटी जो है, ये जो अपने संविधान को खत्म होते देखते हुए जो यूनिटी है इसको बनाए रखनी है, ताकि हम ये जो अपने विचार रखने के लिए है, मतभेद जो एक दूसरे के साथ है, वैचारिक मतभेद, इन सबको बहुत ही जो हम इंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ, इसको बनाए रखने के लिए हमें ये पार्लियामेंट, ये सब चीजें, संविधान की जितनी भी चीजें, हमें उन सबको खुद ही हिफाजत करना पड़ेगा। हम लोग मिलकर इसकी हिफाजत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, बहुत बहुत शुक्रिया कबीर जी अपना कीमती वक्त देने के लिए। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए फ्रीडम एक्सप्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चैनल का, प्रशांत जी का। थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू अभिषेक। थैंक यू प्रशांत जी, वंडरफुल कॉन्वर्सेशन।